वेल हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आए हो आप सभी अच्छे हो गए। आज की वीडियो एक रिक्वेस्ट वीडियो है। मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि हमारे फेस पे काले दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, उम्र के ही पहले हमारे फेस पे झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा स्किन वाइटनिंग एंटी एजिंग सीरम शेयर कर रही हूँ जो आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। आपकी स्किन से पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन डिस्क्लेरेशन अनइवन स्किन टोन है, ब्लेमिशेस है, स्कार्स की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट है, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, ग्लो नहीं करी स्किन, उम्र के ही पहले बहुत ज़्यादा लूज हो गई है, तो आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और स्किन को काफ़ी ज़्यादा ये यूथफुल, यंग, लाइट, ब्राइट, फेयर और टाइट बनाएगा। स्किन को 1-2 शेड ये फेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, 100% नेचुरल है। ऑल स्किन टाइप्स वाले, ऑल एज ग्रुप वाले इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह से बनाना है, किस तरह से यूज़ करना है। आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले किशमिश ली है। किशमिश हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स होते हैं, आयरन होते हैं, कैल्शियम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी स्किन से दाग धब्बे, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, बढ़ती उम्र के निशान को ये रोकता है। साथ ही साथ हमारे फेस पे दाग धब्बे हैं, झुर्रियाँ है, झाइया है, कालापन है, उसे दूर करके चेहरे को काफ़ी ज़्यादा चमकदार, ग्लोइंग बनाता है। तो चलिए जानते हैं आपको इसे किस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पे करीबन मैंने इतनी किशमिश ली है, इसे मैंने पानी में ओवरनाइट सोक करने के लिए छोड़ दिया है। तो अभी आप देख सकते हो फूल के पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। सच बोल रही हूँ गाइस, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट वर्क करता है हमारी स्किन में, और लूज स्किन के लिए और हाइपर पिगमेंटेशन पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये अमेजिंग है। मैंने जब इसे यूज़ किया है तो मुझे अपनी स्किन में और मेरी मम्मी की स्किन में मुझे बहुत ही अच्छे, बेस्ट, अमेजिंग से रिजल्ट मिले। मैंने रिसेंटली इसका एक फेस पैक भी अपलोड किया, आप जाकर ज़रूर चेक करें अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो। उसका लिंक मैं आपको आई कार्ड पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक करना ना भूलें। चलिए अभी जानते हैं कि आपको इसका सीरम किस तरह से बनाना है और जो किशमिश का पानी है वो आपको नहीं फेंकना है। तो अभी फिलहाल मैंने एक मिक्सी जार में किशमिश को ऐड कर लिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद फिर जो किशमिश का पानी है वो इसमें हम 2-3 चम्मच जितना ऐड कर लेंगे। ये किशमिश का पानी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, आप चाहो तो इसे पी भी सकते हो। उसके बाद फिर मैंने इसे मिक्सी में ब्लेंड कर लिया और अभी आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे एक क्लीन बाउल लिया है, छन्नी की हेल्प से छान कर हम इसका जूस अलग कर लेंगे। जो इसका गूदा है जो बच गया है, आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा पाउडर शुगर मिक्स करके बहुत ही हल्के हाथों से स्टीम लेके जहाँ पे झाइया है वहाँ पे आप बहुत ही हल्के हाथों से स्क्रब करेगा, इस बहुत ही अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ आपको वेस्ट नहीं करनी है, सारी आपको यूज़ में लेनी है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं कि आपको इसका सीरम किस तरह से बनाना है जिसे हम ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जो हमारी स्किन में 4 चांद लगा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक क्लीन बाउल लिया है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक खादी का एलोवेरा जेल यूज़ करूँ। इसमें लिक्विश एंड कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट है जो स्किन को हाइड्रेट बनाएगा और लिक्विश हमारे स्किन को 1-2 शेड फेयर करेगा। उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन यूज़ करूँ जो स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, शाइनी बनाएगा। उसके बाद फिर मैं इसमें एक विटामिन ई की कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा वर्क करेगा गाइस स्किन में। स्किन को ग्लोइंग बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, हेल्दी बनाता है, ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और चेहरे पर बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लो, आप देख सकते हो। आप चाहो तो ज़्यादा क्वान्टिटी में भी एलोवेरा जेल वगैरह आप ले सकते हो। उसके बाद फिर जो हमने किशमिश का पानी बनाया था वो हम इसमें 2-3 चम्मच जितना ऐड कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से आप मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली रखी है, आप देख सकते हो, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो बहुत ज़्यादा चिपचिप ना हो उसके हिसाब से। जिनकी ड्राई स्किन है वो इसमें एलोवेरा जेल की क्वान्टिटी ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद फिर सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर आपको एक खाली बॉटल लेनी है, उसमें आपको इसे ट्रांसफ़र कर देना है। तो अभी आप फिलहाल देख सकते हो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। फिर मैं इसमें थोड़ा सा और रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, 1-2 चम्मच जितना। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लो, शेक कर लो। आपका ये स्किन वाइटनिंग एंटी एजिंग सीरम पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ड्रॉपर था तो मैंने ड्रॉपर इसमें अटैच कर लिया, आप देख सकते हो, क्योंकि ड्रॉपर से यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो अभी किस तरह से यूज़ करना है, कितने दिन तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हो, सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो अभी आप फिलहाल देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा ये बन के रेडी हुआ है गाइस। फ्रेग्रेंस तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो अभी फिलहाल मैं आपको अपने हाथ पर यूज़ करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीजी है, बहुत ही ईजी है, स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। गर्मियों के सीज़न के लिए एकदम परफेक्ट बन के ये रेडी हुआ है।
आप इसे फ्रीज में 7 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। अगर आपके पास कोई इसेंशियल ऑयल है तो वो भी आप इसमें यूज़ कर लो, तो आप इसे ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं अपने फेस पे आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हो स्किन में फ़र्क। स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा लाइट ब्राइट लगती है, बहुत ही अच्छा फेस पे ग्लो आता है। लॉन्ग टाइम में इसके बहुत ही अच्छे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आपको इसे दिन में 2 बार यूज़ करना है, मॉर्निंग में और नाइट में। नाइट में हाईली रिकमेंड करूँगी क्योंकि आपकी ये डैमेज स्किन सेल को रिपेयर करने का काम करेगा, स्किन को काफ़ी ज़्यादा यूथफुल यंग बनाएगा। तब इसे नाइट में तो रोज़ाना ज़रूर यूज़ करें, 1 से 2 मिनट तक के लिए मसाज करें, फिर आप सो जाएं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसे बनाएं, यूज़ करें और इसका रिजल्ट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।